प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में देश की सबसे आधुनिक ऑयल रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वसुंधरा जी और धर्मेंद्र प्रधान ने रिफाइनरी शुरू करने का कार्यक्रम बनाया। इसके बाद जब कोई सरकार पत्थर जड़ेगी तो लोग पूछेंगे कि काम शुरू करने की तारीख बताओ। उन्होंने कहा कि पत्थर जड़ने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है, जब काम शुरू होता है तभी विश्वास होता है। पीएम ने कहा कि पहले मैं सुनता था कि राजस्थान में कांग्रेस और अकाल जुड़वा भाई है, जहाँ कांग्रेस जाएगी वहाँ पर अकाल साथ साथ जाता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगह पत्थर लगाकर फोटो खिंचवाई गई है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करना, जनता को गुमराह करना कांग्रेस की कार्यशैली का हिस्सा है। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस सपने को हमारी पिछली सरकार ने देखा था, आज बीजेपी सरकार के दौरान ही इसकी शुरुआत हो रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान 4 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन चुनाव के समय आनन फानन में सोनिया गांधी को बुलाकर इसका शिलान्यास करवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत इस परियोजना के लिए सही नहीं थी, हमारी सरकार ने विस्तार से इस परियोजना पर काम किया है, सिर्फ लोक लुभावन की बात नहीं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सीआर चौधरी जी, बीपी चौधरी जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान सुरेंद्र गोयल जी, श्रीमान अमराराम जी, सुरेंद्र पाल सिंह जी, श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी, ओटाराम देवासी जी, श्रीमती कमसा मेघवाल जी, संसद में हमारे साथी श्रीमान देवजी पटेल, कर्नल सोनाराम जी, श्रीमान रामनारायण जी डूडी, श्रीमान नारायण लाल पंचारिया जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, खम्मा गणी नमस्कार। दो दिन पहले ही हिंदुस्तान के हर कोने में मकर संक्रांति का पर्व मना गया और मकर संक्रांति के बाद एक प्रकार से उत्क्रांति का संकेत जुड़ा हुआ होता है। संक्रांति के बाद उन्नति अंतर्निहित होती है। मकर संक्रांति के पर्व के बाद राजस्थान की धरती पर पूरे हिंदुस्तान को ऊर्जावान बनाने का एक अहम प्रयास, एक अहम इनिशिएटिव, एक अहम प्रकल्प, उसका आज
कार्य आरंभ हो रहा है। मैं वसुंधरा जी का और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कार्य आरंभ करने का कार्यक्रम बनाया और इसके कारण आने वाले दिनों में कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, जब पत्थर जड़ेगा तो लोग पूछेंगे पत्थर तो जड़ दिया, कार्यारंभ की डेट तो बताओ। और इसलिए इस कार्यक्रम के बाद पूरे देश में एक जागरूकता आएगी कि पत्थर जड़ने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। जब कार्यारंभ होता है तब सामान्य मानवी को विश्वास होता है। मुझे खुशी है इस पूरे क्षेत्र की विकास यात्रा में शरीक होकर के ये कार्यारंभ का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब मुझे पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल दे रहे थे अफसर, सारी बारीकियां बता रहे थे, अभी सब कुछ बता दिया उन्होंने, उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी को हमने सारी जानकारी दे दी है, तो मैंने उनको पूछा उद्घाटन की तारीख बताइए। और मुझे विश्वास दिया गया है कि जब देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, 2022 भारत के वीरों ने, आजादी के सेनानियों ने, किसी ने अपनी जवानी जेलों में खपा दी, किसी ने फांसी से तख्त पर चढ़कर के वंदे मातरम के नाद को ताकतवर बनाया, आजाद हिंदुस्तान, भव्य भारत, दिव्य भारत, इसका सपना देखा, देश आजाद हुआ, 2022 में आजादी के 75 साल हो जाएंगे। यह हम सबका दायित्व है, हर हिंदुस्तानी का दायित्व है, 125 करोड़ नागरिकों का दायित्व है कि हम 2022 में जो सपने आजादी के दीवानों ने देखे थे वैसा हिंदुस्तान बना करके उनके चरणों में समर्पित करेंगे।